हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम क्या हो गया सर? टाइम हो गया, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ सर, टाइम हो गया 2:41। 2:41 तो मैं रोज़ाना 11 बजे से 1 बजे तक नॉर्मली कॉल्स लेता हूँ। अगर इमरजेंसी हो तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, अगर इमरजेंसी है तो। इमरजेंसी थी सर, मैंने इसीलिए आपको काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, तो मैं बहुत परेशान हुआ था। वो मुर्गी हैं सर मेरे पास ना, जी मिस्री। जी जी, तो मैंने अपने तारफ तो कराए ना, अपना अपना तारफ तो प्लीज़ अपना अपना तारफ तो कराएं प्लीज़ अपना। सर मेरा नाम सलमान है, मैं इस्लामाबाद आइटम से बात कर रहा हूँ। जी जी, अच्छा। वो मैंने गोल्डन मिश्री रखी हुई थी, तो वो उनको रानी खेत की बीमारी आ गई थी, तो आपने मुझे बोला था मैं वहाँ पे मरी रोड पे चले जाएं, सर साहब हैं उनसे मिलने, वो आपको मेडिसिन दे देंगे एंटी क्यूर की। ठीक, एंटी निल की। जी, तो सर वो मैंने उनको दी थी उस टाइम, तो वो बच गए हैं अपना, उससे कुछ 12-13 मर गए थे, बाकी बच गए हैं माशाल्लाह। चले तो सर, उनकी मैंने अभी वैक्सीन की है एनडी प्लस आईबी की ना, तकरीबन 3 दिन पहले। जी जी, तो मैंने उनकी शुरू से कोई वैक्सीन नहीं की थी, अभी आके मैंने वैक्सीन किया, उनको एनडी प्लस आईबी दिया, तो आज 3 दिन हो गए। मैं उनमें एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आज जो है ना, आज उनकी कलकियों पे बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के ना दाने निकल आए हैं। अच्छा, मुर्गों के। तो मुझे परेशानी हो रही है कि अल्लाह ना करे कि फिर ना ये कोई इन पे बीमारी, वो चीचक की कोई आई थिंक। हाँ, चीचक की। वो परेशान हो रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ये फिर इनको कोई अटैक ना हो जाए, तो मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे प्लीज गाइड करिएगा, कुछ हेल्प करिएगा। नहीं, ये जो होती है ना चिकन पॉक्स। जी जी, चिकन पॉक्स ये भी बड़ी नामुराद चीज है, और चिकन पॉक्स की भी वैक्सीनेशन करते हैं, बहुत जरूरी है, खास तौर पे ये मिस्री और गोल्डन पे। चिकन पॉक्स और एनडी, दो का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। और चिकन पॉक्स की जिन अगर तो थोड़े में आई है तो उनको तो अलग कर दें, ठीक है, उनको आइसोलेट कर लें, और बाकी को वहाँ से जाएं और चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन मिलेगी, और वो ज़रा करनी होती है थोड़ी सी, उसका बड़ा टेक्निकल चीज़ है, वो पिलानी नहीं होती ना ही वो कोई उसका इंजेक्शन इस तरह लगता है। चिकन पॉक्स के लिए एक नीडल ली जाती है, नीडल का एक जो नक्का है ना, नक्का समझते हैं जो सामने नीडल है, तो वो सुराख वाला नहीं, आगे जो वो तोड़ दिया जाता है, वो तोड़ के तो उसको एक कोई स्टिक कोई लकड़ी ले लेते हैं, उसके अंदर उसको उसमें क्या कहेंगे, उसके में फिक्स कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं, और आगे नीडल लगी होती है, नीडल का आगे जो नक्का है, जो सुई है, जो चुभ जहाँ से चुभोई जाती है, समझ गए, यहाँ जहाँ से चलती है बड़ी शार्प होती है, वो तोड़ी होती है आगे से, तो वो फिर वो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसके अंदर आपने उसको डुबोना है, और एक एक मुर्गी को या जो भी आपके पास चूजे हैं उनके परों के होता है, दो परों के दरमियान, ये जो पर जो होते हैं ना, दो परों के दरमियान में वो एक झिल्ली सी होती है, या उसके अंदर खबोते जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा खबोते जाते हैं, फिर डुबोते हैं, फिर खबोते हैं, डुबोते हैं, तो ये वैक्सीनेशन होती है पॉक्स की। सो ये उनसे आप सीख भी लेंगे, पूछ लेंगे और उनसे करके, तो प्लीज़ इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा कि ये बच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और तो आज ही मुझे उनका ज्यादा नजर आना शुरू है, कल नहीं था, मतलब अभी अगर इसकी मैं वैक्सीन करूं तो कंट्रोल हो सकता है? कंट्रोल हो सकता है, जिनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई उनको, और जिनको हो जाती है उनको तो फिर हो गई, लेकिन यह कि कोशिश करें सबको लगा दें बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह करके। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक चीज और, वो ठीक है, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। बगल एक चीज ये है कि जिनको हो गई है उनका मरने के चांसेस तो नहीं है ना, वो बच सकते हैं? बच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह फजल करम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा उनको, वो बच जाएंगे, उनको साइड पे एक अलग आइसोलेट करेंगे, अलग रखें। ठीक है, और उनके लिए उनको मल्टी विटामिन जो हैं
वो तो आपके पास है ही, वो यूज करें, ठीक है। वहां से वाइटासोल है, कोई भी बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है ना। मल्टीविटामिन्स दें उनको, और इनको ये बस एंडी और चिकन पॉक्स से बचाएं, इंशाल्लाह ताला ना यहाँ और कोई ज्यादा परेशानी ये मिस्री और गोल्डन और दूसरी देसी मुर्गियों में, खास तौर पे बहुत सारे लोगों को, इंडिया वाले ने भी एक ने पूछे थे तो उनको भी मैंने कहा था कि ये दो जो बीमारियां हैं देसी मुर्गियों में भी खसूसन, ये एंडी का ख्याल रखें और चिकन पॉक्स का ज्यादा, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें। नहीं बस, लेकिन रोजाना ये अच्छा हुआ कि आपने इमरजेंसी में कॉल, ये इमरजेंसी के लिए मैंने खोला हुआ है, और इमरजेंसी में मैं कॉल्स लेता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बहुत लंबी कॉल हो गई थी, और वो सिंध से थी, वो थी इमरजेंसी नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने तारफ ही ऐसा कराया था कि वो मैं भी उसमें थोड़ा जज्बाती सा होके, तो मैंने कहा कि आपके लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है। वो एक हमारे शहीद के बेटे थे तो उनका था, ठीक है। तो मेरी जान, मैं हाजिर हूँ, आप जब भी कोई इमरजेंसी हो तो ये हाजिर है, टेलीफोन ओपन है, और जिस वक्त मैं सोता हूँ उस वक्त मैं इसको वो क्या एरोप्लेन मोड पे लगा देता हूँ, फिर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जाग रहा हूँगा और फिर आपको मैं इमरजेंसी कॉल्स लेता हूँ। लेकिन रोज़ाना 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप कॉल करके, आप आम हालत में कोई भी सवाल हो, किसी फसलों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, लाइव स्टॉक के बारे में, पेट्स के बारे में, कोई भी हो, आप यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और दुआओं में याद रखना, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह आज आज के, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।